और गाइज यहाँ पे जो ट्रैफिक सिस्टम है वो प्रॉपरली फॉलो होता है। जब सोवियत यूनियन जब डिवाइड हुआ था तब से लेके 2011 तक के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है हमको। तो गाइज हमने बस यहाँ से बुक कर ली है, अपनी 8 बजे की बस है हमारी। और ये बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के। हेलो हेलो। और अभी यहाँ पे एक ढाबे पे रुकी हुई है। ये है शिमकेंद का मैप, पूरा रशियन में लिखा हुआ है, बट इस साइड में थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। फॉर एग्जांपल पार्क, म्यूजियम, कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। अभी चलते हैं इसके हिसाब से, आज शिमकेंद को एक्सप्लोर करते हैं। आज का पूरा दिन शिमकेंद में, तो इस मैप को यूज़ करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं शिमकेंद को। और फाइनली हम निकल चुके हैं वापस से, एक नया दिन शुरू हो चुका है और हम अभी वॉक करेंगे शिमकेंद के स्ट्रीट्स पे और एक्सप्लोर करेंगे शिमकेंद के कुछ लोकल अट्रैक्शंस जो हैं उनको। ये आप देख सकते हो एक रशियन मेड गाड़ी है यहाँ पे, और ये सामने कुछ स्ट्रीट्स यहाँ की इस तरीके से दिखती हुई। अच्छा, होममेड डंपलिंग्स विद सेल्फ 0.5 kg, आधे किलो। और गाइज यहाँ पे जो ट्रैफिक सिस्टम है वो प्रॉपरली फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल अभी ग्रीन हुआ है ह्यूमंस के लिए, तो हम चल रहे हैं, सारी गाड़ियाँ रुक गई है, पूरा लेन रुक गया है दोनों तरफ का। अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मनी एक्सचेंज की तलाश में अभी हम गए हुए थे ये वाले बैंक में। बैंक में जो है सर्वर डाउन था, तो वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज नहीं हो पाया। उन्होंने बताया यहाँ पे एक तौके खान स्ट्रीट है, वहाँ पे आप चले जाओ, तो हम वहाँ वॉक कर रहे हैं। 800 मीटर लगभग के डिस्टेंस पे है। और भाई ये देखो, बड़ी अच्छी गाड़ी है। फाइनली हमारे हाथ में पैसा आ चुका है और अब हम कुछ खाना खा सकते हैं। कल से पैसे की तलाश में हम घूम रहे थे इधर उधर और किसी तरीके से काम चला है, बट फाइनली आ चुका है हमारे पास पैसा। खाते पीते हैं, मस्त एक्सप्लोर करते हैं। यस हिंदुस्तान, वीडियो YouTube। यस, आज शाम को हमको यहाँ से निकलना है अलमाटी के लिए, जिसके लिए बस का पेमेंट भी कर रहा था, उसके लिए भी पैसा आ चुका है। और दोस्तों फाइनली मैंने ले लिया है यहाँ का नाश्ता, जो कि है शामशा, इसमें पोटैटो भरा हुआ है, ये पैटीज टाइप का कुछ है। और ये जो हमारा शामशा है ये आलू पैटीज और समोसे का मिक्सचर टाइप का है। इसकी कॉस्ट जो है अराउंड 200 tenge है, जो कि कन्वर्ट हो गया अराउंड 50 rupees में। ठीक है भाई, बढ़िया है, टेस्ट भी बढ़िया था। और गाइज हमने बुक किया है यांडेक्स से टैक्सी, और इनका फ़ोन आ गया है, बात करते हैं। बात कैसे करेंगे भाई? प्रिवियत, व्हाट इज दिस मॉल? शॉपिंग मॉल, मेगा। ओके, शॉपिंग मॉल है। चुचू इंग्लिश मतलब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश रशियन। और ये सामने आ चुका है इंडिपेंडेंस पार्क, और ऊपर कजाकिस्तान का फ्लैग है, काफ़ी बड़ा लोकेशन है। बेल्डबिक पार्क। यस, ओके। सो अभी पेमेंट करते हैं भाई पहले यांडेक्स का, फिर दिखाते हैं आपको ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर। और गाइस हम आ चुके हैं इंडिपेंडेंस पार्क पे। ये जो इंडिपेंडेंस पार्क है ये 1991 से, जब सोवियत यूनियन जब डिवाइड हुआ था तब से लेके 2011 तक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमको। और काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी बड़े लोकेशन पर बना हुआ है, और पीछे कजाकिस्तान का फ्लैग भी है यहाँ पर। ये कजाकिस्तान का फ्लैग है, थोड़ा सा हिली एरिया में ऊपर साइड में है। यहाँ पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, 1991 के बाद का सब कुछ लिखा हुआ है। जितना हो पाएगा मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और भाई साहब गर्मी के कारण यहाँ पे कोई है ही नहीं इस टाइम पे,
आई गेस शाम को लोग आते होंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक टॉर्च जैसा कुछ है, लाइट टॉर्च, पता है यहाँ पे हमारे हिसाब से तो ठीक है गर्मी, इन लोग के हिसाब से इनके यहाँ पे ठंडियों में टेम्परेचर जाता है अराउंड -14 -15, स्नोफॉल हैवी होती है, तो यहाँ के लोगों के हिसाब से ये टेम्परेचर एक्सट्रीम गर्मी है। और इधर से हम एंटर किए थे यहाँ पे अभी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो सारी दी गई है बट दिक्कत ये है कि इंग्लिश में कुछ नहीं है, सो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि लिखा क्या हुआ है। पूरा कजाक में लिखा हुआ है और मेरे को बिल्कुल भी कजाक या फिर रशियन अल्फ़ाबेट्स जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आते भाई। और गाइज हमने कवर कर लिया है इस इंडिपेंडेंस पार्क को, तो हम यहाँ से जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ शाम की जो बस है उसके बारे में पता करने के लिए, कहाँ से मिलेगी, कैसे उसका प्री पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं आपको दिखाते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है यहाँ का। और गाइज हमने ले लिया है कुछ सामान, सामान के नाम पे है ये अपना पानी और आइस टी, दो चॉकलेट्स, और ये पीछे था हमारे एक छोटा सा ग्रॉसरी का स्टोर। यहाँ पे सामने है वो इंडिपेंडेंस पार्क, ये जो आपको गेट दिखता हुआ ये वाला, और ऐसे दिखती है कुछ आपको शिमकेंद की सड़कें। और गाइज ये आपको सामने दिखता हुआ शिमकेंद का रेलवे स्टेशन वोक्साल, और ये कुछ रेलवे स्टेशन के सामने का स्क्वायर। यहाँ अब हमको खोजना पड़ेगा कि बसेस जो हैं कहाँ से मिलती हैं। आई गेस ये एक हमको बस स्टेशन दिख रहा है, यहाँ पता करते हैं क्या यहाँ से बसेस अलमाटी जाती हैं। चार्जेस क्या है यहाँ पे देखते हैं भाई साहब। हाँ ऑफिस है। ओके फॉर वन व्हेन यू केम टू द इवनिंग देन तो गाइस हमने बस यहाँ से बुक कर ली है, अपनी 8 बजे की बस है हमारी, और सुबह जो है ये बस 6, 6:30, 7 बजे तक छोड़ देगी हमको अलमाटी। और गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं एबे पार्क, यहाँ पे शिमकेंद शहर के अंदर में ही है एक, और ऐसा दिखता है कुछ एबे पार्क। अंदर दिखाते हैं अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो। इसके लिए हमने खाना आज का लंच, चलो भाई चलो चलो आगे बढ़ो। ये है मेरा खाना, चिकन नगेट्स, पोटैटो, और एक ब्रेड है और एक पेस्ट्री है। ये मेरा बैग रखा हुआ है वहाँ पे। Much, much later. Guys, finally, शिमकेंद को बाय बोलने का समय आ चुका है और हम अभी जा रहे हैं अपनी टैक्सी की तरफ। टैक्सी आ चुकी है, I guess. हमने यहाँ पे यांडेक्स बुलाया। यांडेक्स यहाँ का एक फेमस क्या बोलते हैं टैक्सी वाला प्लेटफॉर्म है। कार जो है वो आगे जाके खड़ी हो गई है। यांडेक्स? Yes. और अभी बैठते हैं इस कार में मस्त और चलते हैं वोक्साल यानी कि रेलवे स्टेशन। प्रिवित ये नहीं फनी भाई इंग्लिश तो भाई इनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। अभी ट्रांसलेशन की मदद से बात करेंगे हम। हिंदू से इधर हिंदू सन में स्टूडेंट ना स्टूडेंट ना टूरिस्ट टूरिस्ट इज दिस स्टूडेंट तब लोग इज दिस हिंदू से ये बोल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, सो बहुत लोग पूछते हैं हमसे कि यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं या फिर टूरिस्ट हैं, बताना पड़ता है भाई। और ऐसे दिखते हैं कुछ शिमकेंद की गलियाँ। अभी हम निकले हुए हैं यहाँ से अपने हॉस्टल से वोक्साल के लिए जो कि है रेलवे स्टेशन, वहाँ पर हमारी बस 8 बजे निकलेगी। तो अभी शाम के 7:20 हो रहे हैं अभी यहाँ पर, और धूप देखो भाई शाम के 7:30 बजने वाले हैं और पूरी प्रॉपर धूप है। यहाँ पे जो रात है वो जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा अराउंड 9:30 के करीब पे होती है।
टाइम जोन थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। और हम आ गए हैं मेन स्ट्रीट पे। और गाइस फाइनली हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन यानी कि वॉक्सल, और सामने ही वहाँ पे है बस स्टैंड जहाँ से हमने अपनी बस बुक कराई है। ये रोकेगा भाई, देखो टूरिस्ट पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान, हाँ इंडिया हिंदुस्तान। हेलो ये है गाइस अपनी बस जो कि यहाँ से अलमाटी जाएगी। ये बच्चा बड़ा एक्साइटेड है। ट्रांसलेट दे जल्दी, इसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। ये कहाँ करूँ, ले जा। और गाइस यहाँ पे जो शूज़ है बस के बाहर ही उतरवा देते हैं, ये लोग बस के अंदर शूज़ पहन के आना अलाउड नहीं है। हेलो गाइस, तो पीछे है खड़ी हमारी ये वाली बस, और अभी यहाँ पे एक ढाबे पे रुकी हुई है और हम थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए बाहर आए हुए थे। मेरे को पता नहीं मिलता क्या, मन ही नहीं बन रहा मेरा तो, समझ ही नहीं आ रहा क्या खाना है। कुछ पता चले अच्छा तो मन बने। ये यहाँ की पुलिस की गाड़ी, पुलिस 542 ऐसा दिखता है कुछ यहाँ का ढाबा। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने पार्टी वाले हॉस्टल में, वेंडरलेस बुटीक हॉस्टल, और लोकेशन कुछ शहर के बाहर की लग रही है यहाँ पे। लेट्स सी आज के व्लॉग में ना ही, अब अगली कहानी अगले व्लॉग में देखेंगे गाइस।